दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी इंडियन रेलवेज की टिकट को ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि IRCTC की टिकट्स को कैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर से कैंसिल करेंगे, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कंप्यूटर या लैपटॉप की या फिर किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको अपने IRCTC.co.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और अपने प्रोफाइल से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको IRCTC की प्रोफाइल कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे आप लोग IRCTC पे अपने टिकट्स को, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। तो आप लोग जाकर उसे वहां देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि IRCTC के ऊपर आपकी जो अकाउंट से आपकी वो कैसे बनेगी। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, आपको 3 डॉट्स या 4 लाइंस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और माय अकाउंट के अंदर जाना है। और माय अकाउंट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय ट्रांजेक्शन करके, जिसके अंदर आपको बुक्ड टिकट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, आपको इसको क्लिक करना है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप कैंसिल टिकट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ओके क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको कुछ फेयर्स बताएगा कि कितने आपके चार्जेस कट सकते हैं एंड ऑल। उसके बाद आप कैंसिल टिकट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कैंसिल के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देते हैं, आपकी टिकट जो है वो कैंसिल हो जाती है और आप देख सकते हैं करंट स्टेटस आपका कैंसिल के नाम से आपको दिखने लगेगा। और जो भी आपने ईमेल आपने रजिस्टर किया होगा इसके साथ, उसके ऊपर आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कैंसिलेशन स्टेटस थी वो क्या है। और जैसे कि मेरा जो टिकट लगा था, आपका 1000 रुपये का टिकट था, यानी कि 1000 की फ़ीस थी, तो रिफ़ंड मेरे को हुआ है 480 रुपया, और बाकी जो मेरा था 420 रुपये के आसपास वो कट चुका है। और सिंपल सा प्रोसेस है, इसे फॉलो करके आप भी अपने टिकट्स को कैंसिल कर सकते हैं।